कैथल में साइबर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई पर उन लोगों की नज़र है जो आपके बैंक अकाउंट पर नज़र रखे हुए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी खून पसीने की कमाई आपके अकाउंट से फुर हो जाएगी। मैंने सर घर बनाने के लिए करे थे, कुछ मेहनत करी थी दिहाड़ी, कुछ मैंने ग्रुप लोन कराया था, वो पीछे रखे थे खाते में। टोटल सर मेरी दो बारी तो 10-10 निकाले उसने, एक बारी 5 निकाले। आप देख सकते हैं 10-10 हज़ार की दो ट्रांजेक्शन और एक 5 हज़ार की ट्रांजेक्शन। हाँ सर, ये हमको पता ही नहीं कि कब क्या करा उसने। हम तो पैसे निकले जब पता लगा, वो भी भाई को, भाई ने बताया भी आप पैसे निकलने लग रहे। आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पता हो आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो, उस पर शक हो आपको? सर पैसे तो किसी को, ज्यादा घर को पता है, जहाँ जो ग्रुप लोन में जिनके साथ हुआ है उनको पता है। कैथल में साइबर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई पर उन लोगों की नज़र है जो आपके बैंक अकाउंट पर नज़र रखे हुए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी खून पसीने की कमाई आपके अकाउंट से फुर हो जाएगी। इसी प्रकार का एक मामला सामने आया है, कैथल के सीटा रोड बाईपास पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से एक व्यक्ति को देख रहे होंगे। यह व्यक्ति कैथल के सीटा रोड का निवासी है, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और लोन लेकर अपना आशियाना बनाने का सपना इसने देखा था। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, परंतु उन लोगों की नज़र इसके बैंक अकाउंट पर पड़ी और किस प्रकार से उन्होंने इसकी कमाई पर डाका डाला है, इसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ पूरी घटना है जी? क्या नाम आपका? मुल्की सिंह सर जी मेरा। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है जो आपके पैसे? सर मेरा ATM गुम हुआ है, उससे पैसे निकाले जा रहे हैं खाते से। मैंने लोन करवाया था घर बनाने के लिए जी, उससे पैसे ATM से निकाले गए हैं जी। तो कब की है पूरी घटना और किस प्रकार से आपको पता चला कि ये? सर 1 तारीख को मेरे पैसे निकाले गए थे, तो मैसेज आया तो उस पर पता लगा हमको। अच्छा, तो पैसे कहाँ से और कैसे आपने इकट्ठे किए थे, किस काम के लिए इकट्ठे किए थे? मैंने सर घर बनाने के लिए करे थे, कुछ मेहनत करी थी दिहाड़ी, कुछ मैंने ग्रुप लोन कराया था, वो पीछे रखे थे खाते में। अच्छा, मतलब लोन करवा के आपने पैसे अकाउंट में रखे थे? हाँ जी सर। कौन से बैंक में? ग्रामीण बैंक में रखे थे। ग्रामीण बैंक में रखे थे। तो पैसे कब निकलने का पता चला आपको? सर 1 तारीख को 3 बजे। 1 तारीख को 3 बजे। तो मैसेज वगैरह किसी प्रकार का आया होगा? मैसेज आया था फोन पे सर, फिर मैंने भाई को दिखाया, वो कहता भी अभी निकले 3 बजे। अभी निकले हैं। हाँ, तो फिर मैंने वो जल्दी से जाकर ब्रांच से पैसे निकलवा ले जो मेरे बचे थे सर। अच्छा। हाँ जी। टोटल ट्रांजेक्शन कितनी की हो रही है? टोटल सर मेरी दो बारी तो 10-10 निकाले उसने, एक बारी 5 निकाले। ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन के जरिए उसने पैसे निकाले हैं। हाँ जी। अच्छा, ATM के जरिए निकाले हैं। हाँ जी सर। तो ATM आपको पता नहीं था कहाँ पर क्या? नहीं सर, मेरा ATM घर पे तो था, लेकिन गुम हो रहा है उसका पता नहीं सर। अच्छा, तो पुलिस को आपने? हाँ सर, उसको भी दर्ज करा दी हमने। बैंक वालों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि बैंक वाले तो ये बोले सर हम कल गए थे, वो कहते भी कंप्लेंट कराओ, उसके बाद स्टेटमेंट निकलेगी इसकी। स्टेटमेंट आप लिए हुए हैं? हाँ, ये स्टेटमेंट। एक बार दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं 10-10 हज़ार की दो ट्रांजेक्शन और एक 5 हज़ार की ट्रांजेक्शन, और बाद में शायद इन्होंने खुद ही ट्रांजेक्शन किया, क्योंकि जब पैसे निकलने शुरू हुए इनको जैसे ही मैसेज आया, तो इन्होंने जो अफरा तफरी में पैसे अपने जो बाकी बचे हैं वो निकाल लिए। आप भी सावधान हो जाइए उन लोगों से जो इस प्रकार की चोरी और ठगी कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। इस व्यक्ति के बारे में मैं बता दूं, जो घर बनाने के लिए आपने यहाँ पर क्या किस पर और काम वगैरह क्या करते हैं? सर अपनी मजदूरी करते हैं, जब फेरी करता हूँ लोहे की। अच्छा, फेरी करते हैं। हाँ। तो पुलिस प्रशासन से है उम्मीद अभी? सर देखो सर, हमने कल कंप्लेंट कराई है उनको। अच्छा। हाँ जी। और बैंक में आप गए होंगे तो बैंक वालों के पास भी गए थे पहले, वो कहते हैं कंप्लीट कराओ, उसके बाद कार्रवाई होगी, जो भी होगा वो बैंक पुलिस वाले करेंगे। अभी आप क्या चाहते हैं कार्रवाई को लेकर, क्योंकि आप लोन लेकर अभी किस्तें भी शायद उसकी भरनी होगी? हाँ सर, अब पहली किस्त आने वाली है उसकी। अच्छा। हाँ जी। तो किसी पर शक वगैरह हो, क्योंकि अक्सर होता है कि आमतौर पर आपके फ़ोन के पास रहने वाले व्यक्ति कोई OTP के जरिए ऐसा किसी प्रकार की धोखाधड़ी कर, किसी पर शक हो आपको? सर देखो, बाकी शक तो किसी पर नहीं अभी तो ही सर। ठीक है, वैसे घर पे सबसे पूछ लिया था। ठीक है, सब जवाब देगी, हमको कोई पता नहीं। ठीक है, अब शक किस पे करें सर? अच्छा, मतलब अगर OTP की बात करें तो कोई इसी प्रकार का OTP आपके फोन में आया होगा? सर अनपढ़ हूं, इतना मुझे क्या पता इस चीज का। अच्छा। हाँ। आपको पता ही नहीं चला नहीं। कि कैसे वो 3 ट्रांजेक्शन कर गया और रात के समय की घटना?
हाँ सर, ये हमको पता ही नहीं हुआ कि कब क्या करा उसने। हम तो पैसे निकले जब पता लगा, वो भी भाई को, भाई ने बताया भी यहाँ पैसे निकलने लग रहे हैं तेरे खाते। अच्छा, हाँ जी। तो मैसेज वगैरह आए हाँ, आपके पास? मैसेज आए तो भाई को दिखाया मैंने, वो तो कहता है तो आपके पीछे निकलने लग रहे हैं। किसी व्यक्ति को पता होगा कि, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो शायद उस व्यक्ति को पता होगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पता हो आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो, उस पर शक होगा आपको? सर पैसे तो किसी को, जहाँ तो घर को पता है, जहाँ जो ग्रुप लोन में जिनके साथ हुआ है उनको पता है बस, वो तो किसी को, इसके अलावा और किसी को नहीं पता। नहीं सर। बैंक वालों का क्या कुछ कहना? अभी बैंक वालों तो यही कहना था भी, आप कहते कंप्लीट कराओ, वो कार्रवाई करेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट देंगे भी कौन से एटीएम से निकला है। तो लगता है आपके पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे ही धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं तो रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। सर अब तो प्रशासन ही बताएगा क्या बनता है। तो प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाना चाहिए? ये कहता हूँ सर, मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हूँ, जो मेरा मिल जाए तो अच्छा है सर, ये बोलता हूँ। तो आप भी देख लीजिए, अगर आप बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं और एटीएम का यूज़ करते हैं, आप तस्वीरें देख लीजिए, अक्सर आप और मेरे जैसे आम जनमानस के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है, परंतु अगर इस व्यक्ति के बारे में बात करें तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला यह व्यक्ति है और मुश्किल से अपने जो घर का गुजारा चला रहा है, एक आशियाना बनाने के लिए इसने 25,000 से 30,000 रुपए का एक लोन लिया था, जिसको लेकर किस्तें भी इसकी अभी शुरू हो चुकी है। वो लोन शायद अभी उतारना इसको बहुत मुश्किल हो जाने वाला है, परंतु जो इसने खून पसीने की कमाई के साथ जो लोन का पैसा इकट्ठा किया था, वो भी वो जो इसकी पैसों पर नज़र बनाए हुए थे, वो लेकर फुर हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाता हुआ नज़र आ रहा है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।